फिलहाल जिनको नहीं पता तो मेरे पापा का आज बर्थडे है, 16 अक्टूबर को होता है, तो फिलहाल अपने ही बर्थडे में वो गाना गाए पड़े हैं। पता नहीं कौन सा गाना गा रहे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। अरे बहुत तेज है। हाल हाल पहली चादर एक कैसे द्वार तुम्हारे पहली चादर एक कैसे। ये गाना मैंने आज तक नहीं सुना है, तो यार कॉपीराइट का इशू ना है, इस वजह से मैं बाहर आके ये व्लॉग कर रहा हूँ। एंड फिलहाल अभी मैंने शायद मुफ्ताज से मैं कल बात कर रहा था कि संडे को GT कॉन्टिनेंटल 650 उसको लेने के कोटेशन लेने जाना था, तो फिलहाल अभी उसको मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि लेने चलना है कि नहीं चलना है, फिर हम लोग बाहर का भी व्लॉग बनाने जाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो फटाफट लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो मेरे भाई। एक चीज़ बता रहा, अपाचे भाई तुम लोग को पता है मेरी अपाचे का जो मिरर है साइड मेरा वो टूटा हुआ है, पर फिलहाल अपन ने पता है क्या जोड़ निकाला है। देखो फिलहाल यहाँ तुम देख सकते हो ये हमने टेप लगा दिया इसमें, तो तब तक जब तक काम चल रहा है तब तक हम चला रहे हैं। फिर बाय द वे तो 1200 का इसका साइड मिरर आता है, वो लगाना पड़ेगा मेरे को। अभी गाड़ी की सर्विसिंग भी नहीं हुई है, वो भी करवानी पड़ेगी। साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता, साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। फिलहाल अभी शाम के 4 बज रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर तुम लोगों को मैं बता रहा था कि अभी मैं सुबह से लगा हुआ हूँ अपने पीसी को सही करने में, एंड फिलहाल अपना पीसी स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हो एकदम नया वॉलपेपर आ चुका है। ये वाला वॉलपेपर मेरे को बहुत धांसू लग रहा है इसका। अभी यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि प्रॉब्लम हो गई थी इसके अंदर कि कुछ जो एप्लीकेशन थे नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहे थे, बट यहाँ पर अब एकदम बिल्कुल क्लियर सब सही हो गया। मैंने इसको बिल्कुल फॉर्मेट एकदम क्लीन कर दिया है, अब ये बिल्कुल ईजिली वर्क करेगा और इसमें मेरा फिल्मोरा भी ईजिली वर्क करने वाला है, तो एडिटिंग तो भाई बहुत ही ओपी होने वाली है। तो उसके लिए तो यार इस ब्लॉग को शेयर कर दो फटाफट से अगर आपने अभी तक किया नहीं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं लाल बंगले और अब कुछ काम है, छोटा मोटा सा काम निपटाएंगे फिलहाल। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली आने वाली, भाई बहुत अच्छा लगता है सुकून अंदर से, और मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत ऊनी बम लेके आते हैं और इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ी देर में हम लोग आगे लाल बंगले पहुँच जाएंगे, देख सकते हो। इस समय हम लोग आए लाल बंगले और यहाँ पर अभी एग रोल खा रहे हैं, और अभी हम यहाँ से थोड़ी देर से निकल लेंगे क्योंकि थोड़ी देर का काम करने आए थे, बेसिकली घूमने आए थे, क्योंकि शाम को हम लोग इसी तरीके निकल जाते हैं मस्ती करने। वेल्ले समझ लो वेल्ले भाई, मज़ा इसी में है सबसे। शाम को कहीं में दोस्त आके निकल जाओ, 100 रुपये का पेट्रोल भूख के 15 रुपये की चाय पीने जाते हैं। रील देखती है भाई, इससे सस्ता और कोई शहर में मिलेगा नहीं। कानपुर सस्ती चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो इस समय लाल बंगले के पेट्रोल पंप पे आया, तो पारस पीछे जाके स्कूटी में पेट्रोल भरा रहा है, फिर हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले अपने घर वापस। पर यहाँ पर थे कि मुझे ऊन बम चाहिए थे क्योंकि भाई छोटे छोटे लौंडे फोड़ रहे थे, मेरे को भी फोड़ने का बहुत मन हो रहा था, तो फिर मैं वही अभी इसके बाद हम वहीं जाने वाले हैं। अभी फिलहाल पेट्रोल भरने के बाद सीधे निकलते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खा पी लिया है, फिलहाल पेट इतना ज़्यादा भर चुका है और हम लोग रोज डेली यही कर रहे हैं। अभी दो दिन से लगातार यही हो रहा है। तो फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ, लाल बंगले गया था, फिलहाल अपना केक आ चुका है, ये 200 रुपये का केक मैं लेके आया हूँ। फिलहाल अभी मैं जब केक लेके आया था तो यार मैंने सोचा था कि यहाँ पर अपना ब्लॉग थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, तो फिलहाल वही चीज़ देख सकते हो एडिट हो रहा है, यही ब्लॉग इसी वक्त एडिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो शूट हो रहा है ये अभी बाद में एडिट होगा, पर मैंने पता क्या दिक्कत हो गई कि कैमरे से मैंने जो क्लिपिंग उठाई थी स्टार्टिंग वाला इंट्रो, भाई वो डिलीट हो गया यार। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को क्योंकि एक भी क्लिप डिलीट होती है, बड़ी मेहनत से शूट होती है और वो डिलीट हो गई। भाई यही होता है, भाई यही होता है जब आप जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करने जा रहे होते हो।
फिलहाल के तौर पे यार मैं थोड़ा काला लग रहा हूँ क्या? हाँ थोड़ा मैं काला आला लग रहा हूँ क्योंकि भाई तुम्हें क्या बताऊँ, मैं देखो हर समय मैं लड़कियों की तरह क्या कहते हैं उसको पाउडर वाउडर लगा के नहीं घूम सकता हूँ, ठीक है? मैं लड़का हूँ पहली बात, और ये DSLR है, ये कोई फ़ोन नहीं है जिसमें फ़िल्टर लगा के हम गोरे हो जाएंगे, ठीक है? तो यार अभी फ़िलहाल शायद 8 या 8:30 हो रहा है, ओके 9 बज रहे हैं, ठीक है? तो 9 बज रहे हैं और अभी आज पापा का बर्थडे, पता है तुम लोगों को, तो फिलहाल केक आ चुका है और अभी पापा नहीं आए घर पे, तो जब आएंगे तो हम काटेंगे केक और उसके बाद पूरा व्लॉग शूट होके खटाक से एडिट एंड खटाक से सुबह आता ही तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, और इसको शेयर करना बस तुम्हारा काम है, और सब्सक्राइब कर तो करना ही करना है मेरे भाई, ठीक है? डेली व्लॉग्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए ज़रूर जाके आप सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करो, मुझे थोड़ा आगे बढ़ाओ यार फिलहाल। अभी केक काटने जा रहे हैं और टिटू डिनर निकलेगा। टिटू देखो निकला, टिटू बनाओ, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे उसमें, खाने के चक्कर में कॉपीराइट आ जाता है, नहीं होगा, हो जाता है यार, तुम्हें क्या पता। तो फिलहाल केक वेक वगैरह कट चुका है। जवाने जाने मन हाथी सिगार खुदिया हां सिगार खुदिया इनार नींदे हां इनार हो गया न जाने मैं न जाने तू ये बुड्ढा हो गया इतना हो गया खाए पिए वहां लेकिन फिर में रह जावा फिलहाल सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका है, बर्थडे वर्डे हो चुका है, केक वगैरह कट चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इसकी एडिटिंग शुरू करने, और सभी लोग जा चुके हैं फिलहाल। अभी हम यहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद यार वो देखो खाना खाते हुए मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि यार क्या ही दिखाना, उसमें क्या ही मज़ा आएगा। फिलहाल अभी ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल के तौर पे यार चलते हैं, अब कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं, और अभी इस ब्लॉग को यार फटाफट से शेयर कर दो। एंड अपना यार PC मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया, इसकी तो भाई एक से एक प्रॉब्लम आती रहती है, इसके बारे में भूल जाओ। फिलहाल अपना ब्लॉग लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल वंदे मातरम गाइस, थैंक यू।